नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर राजन बंसल है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी जयपुर में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज हमारे साथ है हनुमान मल गुलेरिया जी। इनकी उम्र 62 वर्ष है। ये सुजानगढ़ चूरू के रहने वाले हैं। इनको पेशाब की तकलीफ थी। आज से 3 महीने पहले इनका प्रोस्टेट का ऑपरेशन भारत प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ था, लेकिन इनको पेशाब की तकलीफ उसके बाद भी बनी हुई थी, जिसके बाद इनने हम लोगों को दिखाया। इनको प्रोस्टेट का ऑपरेशन के बाद बार बार इन्फेक्शन हो रहा था। उसके बाद हम लोगों ने इन्फेक्शन के लिए इनको ट्रीट किया। इनको हम लोगों ने फॉलोअप में बुलाया तो देखा, जहाँ प्रोस्टेट होता है, जहाँ प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ था, जहाँ प्रोस्टेट होता है, वहाँ एक रिंग बन गया था, जो कि हमने सिंपल एक एक्सरे की मदद से जान लिया था। तो उसके लिए हम लोगों ने इनका जो रिंग है उसका लेजर द्वारा ऑपरेशन किया है। आइए जानते हैं हनुमान मल जी का हमारे हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस कैसा रहा। हनुमान मल जी। नमस्कार जी, मैं सुजानगढ़ जिला शुरू से हूँ। मेरा ऑपरेशन प्रोस्टेट का पहले जयपुर में करवाया था, वो भी अच्छा है, परंतु उसके बाद के बाद मेरे यहाँ से प्रॉब्लम हो गई, प्रोस्टेट पेशाब में दिक्कत हो गई, इन्फेक्शन हो गया, तो मैं यहाँ के ट्रीटमेंट लिया। यहाँ पे डॉक्टर एम राय चौधरी, डॉक्टर राजन बंसल जी से मिला, उन्होंने मेरा इलाज चालू किया। मेरा पहले मेरे पेशाब की थैली कमजोर थी, करीबन 1.5 महीने तक वो कैथेटर लगा गया, उसके बाद में मेरे को तो दवाई दे दी 1 महीने भर के लिए। उस पेशाब नली में मेरे को कुछ रिंग बन गया, डॉक्टर साहब ने ऐसे कहा, तो उसका ऑपरेशन किया, बढ़िया से ऑपरेशन बढ़िया से हो गया। उसके बाद में आज मेरे को जांच किया है, उसमें भी बढ़िया रिजल्ट आया है, और मैं डॉक्टर एम राय चौधरी और राजन बंसल का धन्यवाद देता हूँ। ये पेशाब के रास्ते का रंगीन एक्सरे है, जिसको कि आरजीयू बोलते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं पेशाब का रास्ता जो नली है ये एकदम ठीक है, लेकिन जहां पर प्रोस्टेट होता है वहां पर एक रिंग बन गया है, जिसको कि ब्लैडर नेक कॉन्ट्रेक्चर बोलते हैं। हनुमान मल जी का इसी रिंग के लिए ऑपरेशन किया था, इसी रिंग के लिए हमारे हॉस्पिटल में लेजर द्वारा ऑपरेशन हुआ है। इनका पेशाब का नली 5 दिन के लिए रखा, आज जब इनका पेशाब का नली निकाला है तो इनको पेशाब काफी अच्छे तरीके से हुआ है। आपको हम लोगों के हॉस्पिटल के बारे में कैसे पता चला? मेरे को मेरे रिलेटिव ने बताया था कि जयपुर में एम राय चौधरी उद्योग भवन के पास में है, उनके पास जाओ, अच्छे डॉक्टर हैं, आपका इलाज भी अच्छी तरह से हो जाएगा। हॉस्पिटल की सुविधा भी बहुत अच्छी है, स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। मैं हर स्टाफ से, डॉक्टर साहब से, मेरे ऑपरेशन से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। हनुमान मल जी का प्रोस्टेट का ऑपरेशन आज से 3 महीने पहले हुआ था। जब भी प्रोस्टेट का ऑपरेशन होता है तो कुछ चीजें पेशेंट को जानना चाहिए। ऑपरेशन के बाद 2 से 3 महीने तक रेगुलर चेकअप के लिए आना होता है। जब भी प्रोस्टेट का ऑपरेशन होता है 5 से 7% चांसेस होते हैं जहां प्रोस्टेट होता है वहां रिंग बनने के, जिसके लिए एक फिर से एक छोटा ऑपरेशन लेजर द्वारा किया जा सकता है, जो कि 90% फिर से कभी नहीं बनता है। लेकिन आप यदि ऑपरेशन के बाद रेगुलर चेकअप पे नहीं आते हैं, वो रिंग बन जाता है, तो आपका पेशाब का तकलीफ जो ऑपरेशन से पहले था वो सेम फिर से बाद में भी चालू हो जाता है। इससे काफी मरीजों को लगता है कि प्रोस्टेट का ऑपरेशन करके कोई फायदा नहीं होता है या प्रोस्टेट का ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। ये रिंग बनने के चांसेस 5 से 7% होते हैं, इसलिए ऑपरेशन के बाद रेगुलर चेकअप, अपने यूरोलॉजिस्ट को रेगुलर चेकअप कराना बहुत जरूरी है। उसको ये कुछ टेस्टों से, बेसिक यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट से, यूरेथ्रल कैलिब्रेशन से पता चल जाता है कि आपका रिंग बन रहा है या नहीं बन रहा है। यदि ऐसा रिंग बनता है तो एक सिंपल ऑपरेशन करके ये ऑलमोस्ट परमानेंट ठीक हो जाता है। धन्यवाद।